हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पहले हम ये समझना चाहेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। वैसे तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर के कि हाइड्रोकार्बन क्या है, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, नाउ व्हाट इज अ सैचुरेटेड, वैसे तो हमने ये भी बताया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका मतलब कि मैंने आपको हिंदी में बताया था कि जिसका पेट भरा हुआ है। पेट भरे हुए का मतलब ये है कि जो कार्बन है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या कहीं पे भी कार्बन से रिलेट कर रहे हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड होने का मतलब ये है कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो जनरली होती है चार, यानी कि कार्बन जो है अपने साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हुए चार एलिमेंट के साथ ज्वाइंट हो सकता है, राइट। तो अगर कार्बन अपने चार अलग अलग बॉन्ड से अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ है तो वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके स्टूडेंट्स, तो वही यहाँ पे बोला गया कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, यानी कि वो अपने चार बॉन्ड अलग अलग शो कर सकता है, चार अलग अलग लोगों से ज्वाइंट हो सकता है बाय अ सिंगल कोवेलेंट, डबल वेलेंट, ट्रिपल बॉन्ड ये सब नहीं बन सकता है, सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, राइट। तो वही बोला गया कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल की बात करें तो जैसे एल्केन्स देखे थे हमने, एल्केन्स मतलब कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? अब यहाँ पे CH4 है, एक कार्बन एंड चार हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको हर जगह। तो इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। इसी पेज पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।